हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। Thank you.
प्रद्युम्न मर गया, प्रद्युम्न मर गया, मैंने उसे नष्ट कर दिया। गुप्तचर, जो समाचार तुमने हमें सुनाया है वही समाचार मैं और महारानी फिर से सुनना चाहते हैं। असुरेश्वर, युवराज कुंभ केतु ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए प्रद्युम्न का वध कर दिया है। सुन लिया महारानी, प्रद्युम्न गुरुदेव के कहने के अनुसार जो मेरा काल था स्वयं मृत्यु का निवाला बन गया। कहते हैं वो मेरी मृत्यु है, शंबरासुर की मृत्यु। गुप्तचर, क्या तुमने अपनी आंखों से प्रद्युम्न को अपने प्राण त्यागते हुए देखा है? हाँ महारानी, युवराज कुंभकेतु ने जो शक्ति प्रकट की थी उस शक्ति पर प्रतिबंध लगाने में प्रद्युम्न असमर्थ रहा और उसी शक्ति से ही प्रद्युम्न के प्राण हरण हो गए। वाह गुप्तचर, वाह गुप्तचर, तुमने जो शुभ समाचार हमें सुनाया है उससे हम अति प्रसन्न है। ये लो उपहार। मायावती, क्या अब भी तुम्हारे मन में प्रद्युम्न का भय है? स्वामी, प्रद्युम्न का भय नहीं है, संभ्रम अवश्य है। मायावती, जब प्रद्युम्न का वध हो चुका है तो फिर संभ्रम की भी भावना क्यों? क्यों मायावती, क्यों? स्वामी, न जाने क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मायावती, तुम प्रद्युम्न की माया के प्रभाव में आकर अकारण ही भयभीत हो रही हो और अकारण ही मुझ पर और मेरे परम प्रतापी पुत्र कुंभ केतु पर अविश्वास कर रही हो, क्यों? नहीं नहीं स्वामी, नहीं। परंतु मुझे अपने आप पर और अपने शौर्यशाली पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। मायावती, हमारा पुत्र देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखता है। प्रद्युम्न तो केवल काले कृष्ण का पुत्र था। प्रद्युम्न मर गया मायावती, प्रद्युम्न मर गया। मायावती, मैं तुम्हें अपनी माया से रणभूमि का दर्शन करवा सकता हूँ, देखना चाहोगी? प्रद्युम्न मर गया मायावती, प्रद्युम्न मर गया। हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, प्रद्युम्न का वध हो गया। प्रणाम असुरेश्वर। क्या समाचार है प्रतिहारी? परम प्रतापी शौर्यशाली युवराज कुंभ केतु प्रद्युम्न का वध करके राजमहल की ओर आ रहे हैं।
केतु आओ। प्रणाम पिताश्री। विजयी भाव, विजयी भाव। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भाव पुत्र। केतु, आज मैं अति प्रसन्न हूं। तुमने अपने भाई मायासुर के वध का बदला ले लिया। कृष्ण ने मेरे एक पुत्र का वध किया था, मैंने भी उसके एक पुत्र को नष्ट कर दिया है। ये सब तो आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है पिताश्री। कुंभकेतु, अब हम शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा शत्रु जीवित है, जिस काले कृष्ण ने तुम्हारे बड़े भाई मायासुर का वध किया था। उस कृष्ण का वध करने के लिए मैं उत्सुक हूं। कृष्ण पुत्र का वध करके जिस कार्य का आरंभ तुमने किया है, उसी कार्य की समाप्ति अब मैं करूंगा। मैं कृष्ण का वध करके महारानी, आज तो मदिरा पान करने से पहले ही नशा चढ़ गया। हाँ महाराज। क्या प्रद्युम्न के वध का समाचार मिलने से ही नशा चढ़ गया? आप यूं यकायक मेरे साथ छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी, नहीं जा सकते। बड़े लंबे युगों के बाद हमारा मिलन हुआ था। ये मिलन क्या फिर से बिछड़ने के लिए था? नहीं स्वामी, नहीं, अब मुझसे ये वियोग सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। हे महादेव, हे शिव शंकर, आपने वरदान दिया था कि कामदेव को प्रद्युम्न के रूप में नया शरीर मिलेगा। अब इस मुर्दा शरीर को लेकर मैं क्या करूंगी महादेव? हे महादेव, बताइए बताइए, आपने मुझे ऐसा झूठा वचन क्यों दिया था, क्यों दिया था, क्यों दिया था? स्वामी,
आज मैं धन्य हो गई। आपने प्रद्युम्न का वध कर दिया है, ये सुनकर मेरा मन मयूर की तरह नाचने लगा है। कामिनी, ये तो तुम्हारी तपस्या का प्रभाव है। नहीं स्वामी, ये आपकी वीरता और शौर्य का परिणाम है। कामिनी, प्रद्युम्न ने हमारे अनेक भ्राताओं का वध किया था। उसने हमारे प्रतापी सेना नायकों के प्राण हरण किए थे। वो दुष्ट हमारा साम्राज्य नष्ट करना चाहता था, हमारा साम्राज्य। परंतु स्वयं ही नष्ट हो गया ना? हाँ कामिनी, हाँ। स्वामी, जो आपको नष्ट करने आएगा वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। माती, देवी रति, ये क्या हो गया? माती, ये कैसे हो गया? माती, मुझ पर अन्याय हो गया है। माती, मुझ पर अन्याय हो गया है। देखिए, ये देखिए, कुंभकेतु की दिव्य शक्ति ने प्रद्युम्न के प्राण हर लिए हैं। माते, प्राण हर लिए? नहीं, मेरे प्रद्युम्न को संसार की कोई शक्ति मार नहीं सकती। प्रद्युम्न उठो। प्रद्युम्न, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। प्रद्युम्न, उठो। अरे, इतना शिष्टाचार भी भूल गए कि माता के आने पर पुत्र खड़ा हो जाता है। नहीं पुत्र, उठो पुत्र, मेरे वीर पुत्र, उठो, अभी सोने का समय नहीं आया है। अभी तो तुम्हें बहुत से कार्य करने हैं, बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य तुम्हें पूरा करना है। पुत्र, उठो, उठो पुत्र, उठो। यही संदेशा देकर आपने नारद को मेरे पास भेजा था कि इन्हें अब त्रिलोक का कल्याण करना है, इन्हें अभी जाने दो। शमरासुर के वध के पश्चात वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। आप बताइए, क्या कर दिया इन्होंने शमरासुर का वध? अब लौटा दीजिए मुझे, मेरा प्रद्युम्न को लौटा दीजिए। नारद ने भी मुझे धोखा दिया, आपने भी मुझे धोखा दिया कि आपकी मायावी शक्ति से आप प्रद्युम्न अजय हो गया है। अब कहां गई आपकी विद्या, कहां गई मायावी शक्ति? स्वयं भगवान शंकर ने भी मुझे झूठा आश्वासन दे दिया। अब तीनों लोक में कौन सुनेगा मेरी पुकार? मेरे साथ किए गए अन्याय को कौन मिटाएगा? अब दिखाइए अपनी मायावी शक्ति का चमत्कार, दिखाइए चमत्कार। मैंने अपनी सारी शक्तियों का कवच बनाकर मेरे प्रद्युम्न के चारों ओर सुरक्षा का कवच बना दिया था। अब मैं पता करूंगी कि वो कौन सी शक्ति थी जिसने सुरक्षा कवच का भेदन करके
मेरे प्रद्युम्न के प्राण हर लिए? केवल अचेत था। ये तो गंधर्व देवता की शक्ति थी। हे गंधर्व देवता, हे नाग देवता, हे यक्ष देवता, प्रकट हो देवता, प्रकट हो। देवता, हे गंधर्व देवता, हे नाग देवता, रक्षा करो देव, रक्षा करो, मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं, रक्षा करो। आपने कभी कुंभ केतु को जो शक्ति प्रदान की थी, उस शक्ति का दुरुपयोग करके कुंभ केतु ने मेरे प्रद्युम्न के प्राण संकट में डाल दिए हैं। सुरक्षा का कवच ज्यादा समय तक उस शक्ति के प्रहार को नहीं रोक पाएगा। आप अपनी शक्ति के प्रभाव को निष्फल कीजिए प्रभु, अपना वचन निभाइए, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए प्रभु, अपना वचन निभाइए प्रभु, अपना वचन निभाइए। भानावती, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तीनों लोगों के कल्याण के हेतु प्रद्युम्न का जीवित रहना आवश्यक है, इसलिए हम अपनी शक्ति के प्रभाव को विफल कर देंगे। शक्ति का प्रभाव नष्ट कर दिया है। उठो प्रद्युम्न, उठो,
उठो। मैं भानामती तुम्हारी मां, तुम्हें आदेश देती हूं पुत्र, उठो। तुम्हें मेरी ममता की सौगंध है पुत्र, उठो। माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। माताश्री, आप रो क्यों रही हैं? कदाचित मुझसे कोई भूल हुई है, इसीलिए रणभूमि में आप सभी को आना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री, मेरे पास कुंभकेतु की उस शक्ति का कोई उत्तर नहीं था, परंतु अब मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी माताश्री। हम सबकी तुमसे यही अपेक्षा है पुत्र, यही अपेक्षा है। देवीरति। स्वामी, स्वामी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम देवर्षि। विजयी भव। देवर्षि, आप जैसे महान तपस्वियों के आशीर्वाद से मैं इस युद्ध में सहज विजय प्राप्त कर लूंगा। अवश्य प्रद्युम्न, अवश्य विजय तुम्हारी ही होगी, परंतु ये विजय इतनी सहज नहीं है। परंतु क्यों देवर्षि? तुमने देखा नहीं, तुम्हारे अस्त्रों और शस्त्रों का कुंभ केतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इन अचूक हथियारों के वार से भी कुंभ केतु के शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं आई है। हाँ देवर्षि, युद्ध भूमि पर मुझे यूं लग रहा था मानो उस पर अस्त्रों और शस्त्रों की नहीं फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण, फिर भी तुम सहज विजय प्राप्त करने की बात करते हो। तो आप ही बताइए मुनिवर, उस दुष्ट को मैं कैसे नष्ट करूं? प्रद्युम्न, जब तक तुम कुंभ केतु के कक्ष में जलने वाले उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा नहीं दोगे, तब तक तुम कुंभ केतु का वध नहीं कर सकोगे।
और जब तक कुंभ केतु जीवित है शंबरासुत का वध असंभव है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि, कुंभ केतु के वध से उस यज्ञ कुंड का क्या संबंध है? कुंभ केतु की पत्नी कामिनी को साक्षात यम देवता से यह वरदान प्राप्त हुआ है कि जब तक यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहेगी कोई भी कुंभ केतु का वध नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कुंभ केतु से युद्ध करने से पहले मुझे उस यज्ञ कुंड और उसकी अग्नि को नष्ट करना होगा। नारायण नारायण। शैले सांप के भांति बार बार भन उठा रहा है कि प्रद्युम्न जीवित कैसे रह गया, जीवित कैसे रह गया। अब क्या होगा स्वामी? चिंता की कोई बात नहीं कामिनी, मैं स्वयं अपने पैरों तले उस सपोले को कुचल डालूंगा, कुचल डालूंगा मैं। ठहरो सारथी। चकित होकर मुझे क्या देख रहे हो? मैं जीवित हूं और तुम्हारे सामने हूं। क्यों, विश्वास नहीं होता ना? तो आओ मुझे छू कर देख लो, मैं कोई माया नहीं, स्वयं मायापति हूं। अच्छा हुआ तुम मरे नहीं, मैंने तुम्हारी बड़ी सीधी और सरल मृत्यु की चेष्टा की थी, परंतु अब बड़ी कठिन से कठिन मृत्यु दूंगा। मेरे जितने भ्राताओं को तुमने मौत के घाट उतारा था उन सब की मृत्यु पीड़ा तुम्हारी एक मृत्यु में भर दूंगा। मेरे हाथों तड़प तड़प कर मरोगे तुम। मूर्ख पिता के मूर्ख पुत्र, यदि केवल जिवहा के कहने से किसी को मृत्यु आती तो यह सारा संसार मरघट बन जाता, कोई प्राणी जीवित ही नहीं रहता, हर कोई एक दूसरे की हत्या
केवल सोच के बाड़ों से ही कर चुका होता। ठीक है, यदि मेरे ही किसी बाड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है तो वो तुम्हारे ही हिस्से में आएगा। मैं भी तो देखूं तुम इसका स्वागत कैसे करते हो, अपने सीने से लगाते हो या अपने दिल में बिठाते हो। कुंभ केतु, अब तुम्हारे तुणीर में ऐसा कोई तीर नहीं है जो मेरे हृदय को चीर डाले। तुम्हारे इन बाणों से काम नहीं चलेगा कुंभ केतु, कोई बड़ा अस्त्र या शस्त्र निकालो। तुम तो बड़े मायावी हो, एक महान मायावती के पुत्र भी हो। प्रभु, प्रद्युम्न की युद्ध नीति मेरी समझ में नहीं आई। देवऋषि ने उसे स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि जब तक वो कामिनी के कक्ष के यज्ञ कुंभ को नष्ट नहीं कर देता तब तक वो कुंभ केतु का वध नहीं कर सकता। परंतु ये देखिए वो तो कुंभ केतु के साथ युद्ध कर रहा है। वो कामिनी के यज्ञ कुंभ को नष्ट करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा प्रभु? देवी, प्रद्युम्न ने योग्य नीति अपनाई है। वो कामनी के पुण्य के शून्य होने की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु कामनी का पुण्य शून्य होगा कैसे? कामनी अपने पति की रक्षा के लिए इतनी उत्सुक है कि वो स्वयं अपने हाथों अपने पुण्य को नष्ट कर रही है। असुर बालक, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे तुम जैसा बच्चा तोड़कर फेंक डाले। बालक मैं नहीं प्रद्युम्न, तुम हो। तुम कल ही मेरे सामने तुम्हारी माता तुम्हें आंचल में छुपाए मुझसे दूर भागती फिरती थी। और तुम वही कायर हो कुंभकेतु, जिसने एक दूध पीते बालक पर तलवार उठाने का दुस्साहस किया था। उसकी बेसहारा माता को भागे भागे फिरने पर विवश कर दिया था। कुंभकेतु, तुम वही कायर हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दी। मैं तुमसे अपनी माता के उन कष्टों का बदला अवश्य लूंगा जो उसने तुम्हारे हाथों उठाए। स्वामिनी, जाओ रणभूमि में जाकर मेरे स्वामी के शत्रु प्रद्युम्न का वध कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। राज, अपने आप को संभाले युवराज। Yeah.
आज तक कामनी ने आसुरी वृत्ति का प्रयोग नहीं किया था, परंतु आज आज वो कुंभ केतु की रक्षा के लिए आसुरी प्रयोग कर रही है। देवी, प्रद्युम्न अपनी माया के प्रयोग से कामनी को चिंतित कर रहा है, उसके विश्वास को तोड़कर उसे अधिक से अधिक आसुरी प्रयोग करने पर विवश कर रहा है। क्या आज्ञा है स्वामिनी? कृत्या, शीघ्र जाओ और उस घमंडी प्रद्युम्न का विनाश कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। युवराज, अपने आप को संभालिए। युवराज, प्रणाम असुरेश्वर। क्या हुआ? क्या बताऊं पुत्रवधु, क्या बताऊं? बताइए ना, क्या हुआ है?
कैसे बताऊं पुत्री, न मुझ में बताने का साहस है न तुम में सुनने का साहस है। कैसे कहूं कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। अपराधी और मेरे? हाँ पुत्री हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? उस काले पुत्र प्रद्युम्न ने मेरे कुंभ केतु का भी वध कर दिया है।